देखो कितना अच्छा नजारा है। और यहाँ हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और हम लोग यहाँ पे देखो प्यू कैनाल आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज बहुत खास डे है हम लोगों के लिए। और प्यू कैनाल आके हम तैयार कर दिए थे और मैं अपना उधर तैयार होने में लग गई थी। दिया जा रहा है, प्यू कुमारी 500 रुपया लेकर के जाएगी। A few minutes later. Guys, finally हम पहुंच गया मनसा देवी और बहुत सही सलामत पहुंच गया। बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम मनसा देवी पहुंच गए इतने आराम से। देखो कितने शांत से देख रही है, पर धूप पड़ रही है। इसको गाइस कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो हम मनसा देवी पहुंच गए यहाँ पे। चलो कराते हैं आप लोगों को भी दर्शन, बने रहो ब्लॉग में और माता के दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी। गाइस देखो मैंने पीयू को अभी को दे दिया है, क्योंकि मैं उस पे बाइक पे मैंने बाबू को ले रखा था तो मेरा हाथ दर्द हो रहा है। और इधर आप देख सकते हो कितना अच्छा, अभी सारी दुकानें ओपन हो रही है यहाँ पे और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ना आने आके ना बहुत मजा आता है, मतलब एक अच्छा सा शांति सा मिलता है मन। अरे देखो हमारी प्यू जग रही है, पर धूप के कारण सॉरी थी। तो गाइस चलो हम आगे चलते हैं, ब्लॉग को लेते लेते यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस ये पंचकुला में है ये माता जी, और यहाँ पे जो भी हमने मनोकामना मांगा है वो पूरी हुई है। इसलिए हम पिछली बार आए थे तो मान के गए थे कि हमारी बिटिया अच्छे से हो जाए, तो हमारी बिटिया अच्छे से हो गई है। इसलिए हम अब की बार आए हैं, हम तीनों हमारी छोटी सी फैमिली। बट हम सोच रहे थे कि मम्मी पापा भी आए, पर मम्मी पापा नहीं आए क्योंकि वो बहुत बड़े धाम पे से आए थे, इस कारण वो नहीं आए। वो आएंगे अब आगे नेक्स्ट टाइम। और मैं देखो यही चलते चलते मैं थक जाती हूँ पता नहीं क्यों। और आप देख सकते हो कितना मस्त है पीछे का। तो गाइस हम अंदर चल के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि यहाँ देखो आप देख सकते हो कि कैमरा लगाना मना है और हमें भी नहीं घुसने देंगे। अरे आप छोटे से हनुमान जी के दर्शन कर लो, आज मंगलवार है, मनोकामनाएं अपनी अपनी मान लो। मनसा देवी थी हमारे यहाँ की और यहाँ पर चले, इसलिए हम लोग बोल नहीं रहे, बाद में ऑर्डर डालेंगे हम। हमने पूरी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले थे और मना कर रहे थे, और अंदर लिखा हुआ था कैमरा ले जाना मना है। और वैसे भी हमने आपको थोड़ी सी दर्शन तो करवा ही दिए, उतने में आप लोग सब काम चला लो थोड़ा थोड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम आपको पूरा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। कई हम यहाँ से सीढ़ी पे से चलते हैं ऊपर, ऊपर से जी उनके दर्शन करते हैं पहले। तो ये हनुमान जी हैं प्यारे छोटे से। गाइस हम हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम आगे चल रहे हैं, और ये देखो पीछे कान्हा जी के सारे वस्त्र रखे हैं। और यहाँ पे वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है, और बट यहाँ देखो दान दक्षिण करने के लिए भी है काउंटर, यहाँ पे आप दान पुण्य कर सकते हो। संडे को आओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, आज मंगलवार है इसलिए बहुत खाली है, मतलब सारे लोग जॉब करने वाले लोग जॉब पे गए। और यहाँ पे बहुत सारी जगह से लोग बाग आते हैं, और आप पीछे देखो कितनी सारी हरियाली है और कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, देखो कितना अच्छा नज़ारा है और यहाँ पे कितनी हरियाली है। बट यहाँ पे कोई फूल तोड़ नहीं सकता। ये है भवन, यहाँ पे परिक्रमा करना होता है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग परिक्रमा करने आते हैं, और अभी फिलहाल ये बंद है। तो गाइज यहाँ पे हवन भी होता है, और तो चलते हैं अभी आगे आगे और भी देवी देवता के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे ऊपर देखा तो यहाँ पे देखो लाइट भी लगी हुई है, मतलब इस मंदिर में बहुत सारी सुविधा है भक्तों के लिए। देखो अंदर ये पूजा का सामान लेने वाला बन गया, पहले नहीं था जब हम सबसे पहले बार आए थे। और यहाँ पे ये मंदिर भी नहीं बना था, बहुत थोड़ा थोड़ा बना हुआ था तब हम आए थे। तो गाइस ये जगह बहुत अच्छी है, बट जब भी आप यहाँ आना तो इस जगह को जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब दूसरे मंदिर में, यहाँ पे देखो बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे भी मंदिर है और यहाँ पे भी माता वगैरह यहाँ पे है, सभी माता यहाँ पे। जो बच्चे नहीं घंटी बजा सकते उनके लिए सुविधा देख लो आप, जिनकी जय गाइस जिनकी हाइट बहुत कम होती है वो नहीं बजा सकते। तो चलो आगे चलो, ठीक है इस पे चढ़ गई, यहाँ पे चढ़ के बजाई, ठीक है। तो चलते हैं आपको भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपको पूरा हम दिखाएंगे पूरा,
देखो कितना अच्छा नजारा है गाइस, यहाँ बहुत अच्छा नजारा है। तो वही जैसे चांदनी बता रही थी आपको कि जैसे आप चंडीगढ़ आओगे तो आप एक बार विजिट जरूर करना, बहुत ही शांति वाला जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो गाइस मैं ले लिया अभी माचिस और यहाँ बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, धूप जलाने वाला हूँ मैं। आ जाओ कुछ नहीं होगा। तो गाइस इनसे कुछ नहीं हो सकता, इनसे एक अगरबत्ती नहीं जल रहा है, पटाखे क्या जलाएंगे। गाइस देखो सब लोग वहाँ जला ले रहे, बट ये इतने कोने में आके जला रहे। मिशन कंप्लीट है, मिशन कंप्लीट। भंडारा खावेगा? हाँ भंडारा ही खाएगा, भंडारा तो गाइस वो भंडारा कह रहे हैं। भंडारा खाएंगे, भंडारा। यहाँ बहुत बड़ी लंगर होती है, बहुत टेस्टी है, कड़ी चावल होता है, बस मुंह में पानी आ जाता है। हे लगन चलिए थोड़ा खा ली। ठूसने से पहले ना हम बाबा बालकनाथ के दर्शन कर लेते हैं। देखो गाइस वहाँ पे बाबा बालकनाथ का, तो हम बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे। उसके बाद आके हम इसमें ठूसेंगे। ओके तो गाइस यहाँ पे चांदी के रिश्तेदार हैं यहाँ पे, और चांदी बहुत ज्यादा डर रही है। देखो पानी साइड में चल लेना इधर। तो गाइस कोई अपने रिश्तेदार से डरता है क्या? इन्हीं मेरे जेठ लोग हैं, इसलिए मुंह छुपा के चल रही हूँ मैं। तो देखो आगे फिर पीछे पड़ गए उनके भाई के। पिछली बार आए थे तो यहाँ पे तो बहुत सारे बंदर थे, पर अभी यहाँ पे है नहीं, काफी नहीं है, बस थोड़े बहुत है। देखो पीछे मेरे अब बालकनाथ के है मंदिर, और हम चढ़ गए पहाड़ों पे, तो चलते हैं ऊपर दर्शन करके आते हैं। गाइस हम यहाँ आ गए गणपति के स्थान पे, देखो कितनी प्यारी मूर्ति है, आओ दर्शन करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे मंकी हैं, और हमारे पास भी एक छोटा सा मंकी है देखो, और ये बड़ा मंकी। ये क्या चीज है, ये क्या नमूना है? तो पत्थर पे पत्थर रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे हम जितने पत्थर रखते हैं उतनी ऊंची हमारी मकान होते हैं। आप तो गाइस देखो पीहू कैसे देख रही है बंदरों को, है किसका मार रही है बंदरों का, देख के जैसे बंदर नोच रहे थे वैसे ये भी नोच रही है, जैसे बंदर कॉपी करते हैं ऐसे ये भी कॉपी कर रही है। सुबह से तीनों ने कुछ नहीं खाया, खाली पेट निकले थे, नहा धो के निकले थे, आज तो पीहू भी नहा ली, बहुत बड़ी बात है। गाइस लोग यहाँ पे 11 बजे ओपन होगा, बट अभी तो 9:30 हो रहे हैं, 2 घंटा में इधर ही गुजारेंगे, और ये हम भंडारा तो खा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी भंडारा मिलता है। आ जल्दी आ जा। गाइस हम जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ बैठ कर खाएं, और यहाँ बहुत कड़क अभी धूप हो रही है, इसलिए सकल पे 12 बज चुका है। आप समझ सकते हो पेट में कुछ खाया ना पिया रहा, तो मौज मस्ती नहीं कर सकते हम, इधर थोड़ी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तो गाइस हमने दो क्या है दूध है बीटा का, बीटा का ये दूध है, ये हमने पी लिया, पेट में बहुत शांति मिली, क्योंकि ये ठंडा था और पेट में जाके बहुत ठंडा ठंडा अच्छा लगा। तो गाइस जैसा कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से हमने पहले बताया था कि आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है हमारे लिए, मतलब इसलिए हम मतलब मंदिर के दर्शन करने आए थे, माता के दर्शन करने आए थे, बहुत स्पेशल डे है इसलिए। तो वो स्पेशल डे तो दर्शन कर लिया, तो इसलिए हम बता देते हैं आपको कि हमारे लिए आज ये दिन क्यों इतना स्पेशल है। आज हम दोनों की एनिवर्सरी है। तो गाइस हमारी एनिवर्सरी आज, क्योंकि 9 तारीख को ही 9 मई को ही हमारी पिछले साल शादी हुई थी, तो आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हमने सोचा कि माता के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में आके आप लोगों को पता है कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है दिल को, ठीक है। इस तो हमने यहाँ पे मतलब आके हमने माता के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा हमारा मतलब रहा, माता के दर्शन हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं, क्योंकि गाइस देखो इसी तारीख को पिछले साल मेरी बर्बादी का दिन स्टार्ट हुआ था, जो कि आज मेरे ठीक है इस तो इसी तारीख को मेरी बर्बादी स्टार्ट हुई थी, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, माता के पास आके सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया हो कि चल बेटा मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है।
तो गाइस हम अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि पीहू के लिए गाइस हमें आज मतलब कपड़े भी लेने हैं तो हमें मार्केट भी जाना है, इसलिए हम यहाँ चलते हैं। लंगर का इंतजार करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हम, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम है। 11:30 बजे ओपन होगा, तो ठीक है वेट कर लेते हैं और लंगर खा के जाएंगे फिर। अब इतना जिद कर दिया तो चलो देखते हैं। तो गाइस जो बच्चे के नजर बट्टू पहन आते हैं ना, वो बस इनके पास भी धागा वाला था और धागा वाला तो प्यू पहन रखी है, पर वो हमें धागा वाला चाहिए नहीं, और वो पेच वाला था तो उनके पास एक ही था, अफसोस। तो इसलिए हम इधर की दुकानों में देख ले रहे हैं बाई चांस मिल जाए। ले एक लाहौरी जीरा। लाहौरी का महल यही समझ ला। टूटा हुआ है अभी? हाँ? है? टूटा है? देख लो टूटा है कहीं से? मैं बैठ के देखूं? हाँ। तो गाइस गिरेंगे तो ये ना गिरेंगे, मैं तो ना गिरूंगी। ना ठीक है। आ जा। पूछ लो क्या एक बार कहीं टूटा ना हो? हाँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो। तो ये बगल वाला झूला जो है वो टूटा हुआ है? पूछ लो ना अभी जा। बैठे रहे ठीक है, गिरी तो बताइयो। गिरा तो नहीं अभी तक। अभी तक तो गिरी होती ना, टूटा होता तो। अच्छा गिरती तो मैं और क्यों दोनों गिरेंगे अभी? मेरा गिरने का कोई मुझे टेंशन नहीं है। ठीक ही होगा, चल बैठ जाते हैं। तो गाइस कितने दिनों बाद मैं और प्यू ऐसे मजे कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है इस जगह। देखो प्यू को भी कितना अच्छा लग रहा है, देखो स्माइल कर रही है। और ये लोहरी जीरा भी बहुत टेस्टी है, मस्त। तो गाइस देखो टाइम हो चुका है और सब लोग लाइन लगा रहे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं 9:50 होने यहाँ पे। भागो गई। तो गाइस देखो इतना टेस्टी खाना है और हम इसी खाने के लिए पागल थे 2 घंटे से, और यहाँ इतने सारे लोग आते हैं खाने के लिए। आया गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कपड़े की मार्केट, जो पियो के लिए कपड़े लेने हैं। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। वो भी ये पोतल जजमान ने दिया है। जजमान जजमान यानी आपको समझ नहीं आता तो पापा के चेले चपाटे लो बोले तो। बेटी तो गाइस रात के बज चुके हैं 11 और अभी सो चुके हैं, और इधर पीयू जग रही है और मैं पीयू को मसाज करूंगी, फिर पीयू भी फीड करके सो जाएगी। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो आपकी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संग में बेल आइकन भी दबा दें। ओके बाय बाय।